हाँ भैया भैया वेलकम टू अंदर एपिसोड ऑफ आसगंज स्वैग आई होप आप लोग जाओ खैर से होंगे बिकॉज uh, पिछली एपिसोड अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है सो आई डोंट हैव योर फीडबैक्स राइट नाउ जो कि मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ आपके साथ और हम उसके फ़ौरन बाद एक और एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं सो आई वोंट हैव दो कॉमेंट्स या फिर ये कि लोगों ने उस एपिसोड्स को कितना पसंद किया या क्या क्या लोगों की कंप्लेंट्स थी या फीडबैक था एनी वेज लाइफ हैज़ बिन गुड और uh, ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है अलहमद लाला देर आर अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स दैट आई एम प्लानिंग टू तो डू वन ऑफ दोज इज़ जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया इज़ गॉड रिलेटेड इट्स अ वंडरफुल शो बाय आई बाईस अवज फैन और सो तो इस जैसा एक एक और शो अमेरिका में होता है किल टोनी के नाम से जो कि तकरीबन छः आठ साल से हो रहा है तो फॉर्मेट वही है बट ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स इंडियन तो वो एक ज्यादा फील होता है कि करीब से करीब देर डूइंग अ वंडरफुल जॉब किल टोनी में सिर्फ कमेडियंस होते हैं बट इंडियाज गॉट लेटेंड में एज यू हैव सीन कॉमेडियंस हैं म्यूजिशिय भी होते हैं पोइट्स भी होते हैं एंड सो आई थाट के वाई नॉट वी शुड डू समथिंग लाइक दैट इन पाकिस्तान हाउ एयर पाकिस्तान के अपने अलग मसले मसाइल होते हैं यू कॉन्ट हैव एन अडल्ट लैंग्वेज द होल पॉइंट ऑफ कॉमेडी इज टू पुस्ट दिल्प जरूरी नहीं है कि यू यू स्वेर बिकॉज यू हैव टू इट्स जस्ट लाइक इफ़ इट्स ओनली इफ इट्स मेकिंग सेंस और हर चीज़ बच्चों को दिखाने की नहीं होती ये लोग यही कमेंट करना हम बच्चे के साथ देख रहे थे बच्चे के साथ आप दूसरी चीज़ें भी नहीं देखते ना तो फिर ये भी ना देखें सो so, अब ये चैलेंजेस हैं जब हम करेंगे तो इनशाला देखेंगे क्या क्या लोगों का फीडबैक रहता है हाव एवर दी आइडिया इज़ टू हैव सम फन यार कोई मतलब मजे का कंटेंट ही नहीं आ रहा कोई नई चीज़ भी नहीं हो रही सो uh, so, मैंने सोचा यार ये कर लेते हैं खली वल्ली देखी जाएगी सो वे इनशाला शूटिंग अ पायलट होप ऑन द टेंथ ऑफ अक्टूबर और तब तक आई थिंक ये एपिसोड um, um, तब तक हो चुका होगा जब तक ये एपिसोड आएगी लेट्स सी Uh, नहीं सॉरी हाँ इसके बाद होगी टेंथ तो लेट्स सी हाउ दैट गोज आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई हैव जजेस का पैनल भी हमने प्लान uh, कर लिया है प्रोडक्शन कंपनी भी लाइनअप कर ली है वेन्यू भी लाइनअप कर लिया है और कंटेस्टेंट्स uh, आज या कल में आई विल भी अनाउंसिंग सो फिर लोग अपनी एंट्रीज भेजेंगे वगैरह वगैरह सो so, दैट्स वन थिंग दूसरी चीज़ जो मैंने पिछले एपिसोड के एंड में फिर मुझे याद आया था कहना uh, का तो वो दो चीज़ें मैं सोच रहा था करने को एक तो ये कि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू पीपल जो जेन्यनली वॉन्ट टू सीक एन ओपिनियन मगर आप ये नहीं लिखना चाहते बिकॉज मे बी योर योर स्टोरी इज़ सो यूनिक कि वो कोई भी सुनेगा जानने वाला तो पकड़ में आएगी सो so आप शायद बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं कर रहे हो सो वी कैन ऑलवेज गो ऑन अ कॉलिंग ऑप्शन बट ऑफ कोर्स दैट वुड बी पेड बिकॉज टाइम इज़ मनी तो आई वॉज थिंकिंग टू सेट अप दैट के लाइक फॉर एक्जाम्पल एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स मैं डेडिकेट करूँ फॉर दिस फॉर पीपल हु वॉन्ट टू स्पीक एंड लाइक हैव अ वेरी हार्ड टू वर्ड क्योंकि अभी ये क्या है वन वे होता है वन वे ई मेल आई वन वे यहाँ से जवाब आए सो देर इज़ नो काउंटर आर्ग्यूमेंट आई एम श्योर लॉट्स ऑफ टाइम आप लोगों ने आंसर uh, सुना होगा बट आपके जहन में दस और सवाल आए होंगे बट देन यू लाइक यार अब एक बार सवाल आ गया बार बार तो मुश्किल ये बहुत कम लोग होते हैं जिनका फॉलोअप क्वेश्चन नज़र आ जाता है सो वी कैन वी कैन डू दैट इसका फिर uh, कोई ना कोई मकैनिक्स हम बना लेंगे लेट से थर्टी मिनट की कॉल फॉर एक्स अमाउंट ऑफ Uh, whatever because i have a lot of time ashkal or once this thing rolls out the pidzair dedicate karna padega slot so that's one thing that i was thinking the other thing was uh, but was uh sakti when i'm in the uk because uh, europe is accessible एंड uh, जैसे मैं वॉकिंग टेल्स अब तक अकेले बनाता हूँ उसमें ज़ाहरा मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा था बिकॉज मेरे लिए वो जगह नहीं होती है सो so, मुझे उस चीज़ की इतनी हिस्ट्री नहीं मालूम होती जो थोड़ा बहुत पढ़ के गया होता हूँ वही ज़ाहरा जो वहाँ रहता है उसको ज़्यादा पता है दूसरी चीज़ ये कि आई वॉज होपिंग टू मेक वॉकिंग टेल्स विद माई फैंस सो लेट्स ए हम एक सेंट्रल uh, यूरोप में कोई शहर डिसाइड कर लेते हैं लेट्स बु डा के और फिर बीस लोग हैं एंड दैन वी विल स्पेंड अ वीक एंड टुगेदर सो फॉर एग्ज़ाम्पल वेर एवर यू आर इन द यूरोप आप ट्रेन पकड़ के फ्राइडे की शाम पहुँचे वहाँ मैं फ़्लाइट लेके वहाँ पहुँचता हूँ वी मीट एट अ सर्टन प्लेस वी एक्सप्लोर हैव डिनर रात रात घूमें एंड ऑफकोर्स वी हैव अ हॉस्टल और हम हॉस्टल में टाइम गुजारें सैटरडे हम पूरा दिन साथ गुजारें एक्सप्लोर करें शेयर एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे फिर बहुत सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज़ भी होंगी सो लाइक यू नो वो भी एक फ्रॉम द कॉन्टेंट स्टैंड पॉइंट अगर मैं सोचूँ तो वो भी ज़ाहिर आप लोगों की स्टोरी आई वुड लव टू शेयर फिर साथ ही साथ गेट टू एक्सप्लोर द होल सिटी एंड देन संडे को नाश्ता किया थोड़ा बहुत घूमे और फिर दोपहर को सब अपनी ट्रेन पकड़ के जहाज़ पकड़ के वापस मंडे को ऑफिस सो वी कैन डू दैट So, mechanics padengi, of course, uh, um, ki kya whatever the cost would be, vagher, vagher, vagher. So, these are the two ideas that I was thinking about. The third idea uh, that was given to me by by this uh, Aniket, uh, who's a who's a wonderful fan and now turned a friend. So, Aniket runs uh, a travel agency, and he takes a, a he takes group group of people. टू वेतनाम लाउस कम्बोडिया फार ईस्ट वगैरह और बहुत सारे लोगों ने मुझे ई मेल में भी कहा था फार ईस्ट नहीं जाते सो अनिक्थ वॉन्टेड मी टू जॉइन इन वन ऑफ हिस्स ट्रिप्स एंड तो फिर मैंने भी ये सोचा कि लाइक वी कैन ओपन दैट फॉर इंडियन फैंस खास तौर पर हु कुडेंट गेट टू मीट मी बिकॉज ऑबियसली बॉर्डर्स बंद हैं तो वी कैन डू अ मीट अप इन लेट से वेतनाम राइट और कम्बोडिया और इंडोनेशिया वेरेवर सो वी कैन डू दैट एंड ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडियन फैन्स ऑफकोर्स पाकिस्तानी फैन्स कैन जॉइन इज़ वेल एंड दैट वुड सर्व क्वाइट मीनिंगफुल फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक यू नो पाकिस्तानीज़ एंड इंडियन स्पेंडिंग अ वीक टुगेदर ट्रैवलिंग टुगेदर कहते हैं ना सफ़र करने से बहुत सारी आपकी जो गलत फहमियाँ होती हैं वो भी दूर होती हैं आई वॉन्ट पीपल टू बिकम क्लोज़र आई एम शोर लोग जो मिडल ईस्ट में काम करते हैं उनका ऑलरेडी एक्सपोजर होता ही ऑफिस में कोई ना कोई यू नो मिक्स रेसिस चली रही होती हैं तो वो एक होता है लेकिन लाइक ट्रैवलिंग इज़ डिफरेंट सो मैं ये चाह रहा था We should have that thing, let's say, once a month. Uh, we we get to go to this country and we can have like an Indo Park travel thing Saturday to Saturday. So like Friday ko apne to the kia, flight, pakdi Saturday go panche, and then we spend a whole week. Let's say we go to three different cities uh, and then like make good memories, man. So that would be fun. So these are some ideas that I've been thinking around. Kyunke, wo content kar kar ke like you know, thoda sa होराइजन एक्सपैंड करना है और थोड़ा सा एंड ऑफ कोर्स आई लव ट्रैवलिंग तो जहाँ पे आपका काम काम ही ना रहे तो वो और अच्छी चीज़ हो जाती है सो लेमी नो इन द कामेंट्स और इन माई डी एम वेर एवर यू टीम नेसेसरी फीडबैक दीजिएगा कि वो यू गेस्टिंग के बारे uh, खैर ये रही बातें चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ आए जी द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गेसिंग इट्स फ्राम इंग्लैंड हालांकि मैंशन नहीं किया उन्होंने एंट्री चेक करो Assam bhai My name is ABC. I am a 30-year-old female living in one of the Western countries. Your work and thought process are highly respected and no one doubts your intentions. But why are you against Imran Khan? Every now and then you criticize the handsome part and the entry check -karo part of Khan. Julian Bhai, what fault is it of Imran Khan that he is handsome? <laughs> in the USA? a president just opted out because he wasn't charismatic enough so what's the problem if khan is charismatic you have made several videos about mannerisms and body language so why do you criticize imran khan for it a leader needs to have confidence to showcase pakistan's perspective and power to the world i think you're sometimes too negative about khan i am I'm i am an imran khan supporter but even a neutral person would tell you that you are being overly critical imran khan was acknowledged by russia china saudi arabia and the usa and india टेल मी वन इंस्टेंस वेयर वन अनदर लीडर अनलाई खान वॉज सेलिब्रेटेड और फेयरड बाई दीज कंट्रीज फेयर तो फेयर तो किसी को नहीं है इमरान खान से आई एम अूज फैन ऑफ योर शो एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न योर परस्पेक्टिव आई डेफिनेटली डोंट वॉन्ट टू कम ऑफ एज एन आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन विद रिस्पेक्ट ए बी सी सो भाई ये सवाल है कि भाई मैं एक तरफ बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ कि पॉजिटिव होनी चाहिए मैनरिज्म और दूसरी तरफ मैं खान साहब की हैंडसमनेस की और एंट्री चेक चेक करो वाले पार्ट की वो करता हूँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट क्रिटिसाइज़ दैट पार्ट देखिए एक चीज़ तो ये है ठीक है ही इज़ हैंडसम और मैंने ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में और बहुत सारे बंद कमरों में ये बात मैंने मेंशन की है कि पाकिस्तान में दो लोगों की प्रेजेंस से मैं मुतासर हुआ हूँ कि जिनका और जो आजकल बच्चे यूज़ करें ना और टेन थाउजेंड प्लस या फिफ्टी थाउजेंड प्लस है या जिनकी प्रेजेंस जो है वो इतनी ऐसी होती है कि मतलब लाइक like, इंसान अट्रैक्ट हो जाता है कि वो कुछ और नहीं देखता एज इन के उनकी इतनी बीमिंग कहते हैं ना इन रेडियंट पर्सनैलिटी वो दो लोग हैं एक है सबा कमर और दूसरे इमरान खान साहब और ये बात मैं बिल्कुल कहता हूँ उनकी वाकई प्रेजेंस है उनका एक कैरिजमा है अपनी जगह मगर वो हैंडसम या कैरिजैटिक होने से जो है ना मुल्क नहीं चलते ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने दुनिया के सामने केस लड़ना है खा वो पाकिस्तान का केस हो खा वो इस्लाम का केस हो विच ही हैज़ डन वंडरफुली वेल इन द यूनाइटेड नेशंस का फ्लोर अभी शहबाज शरीफ साहब भी जनरल असेंबली में बात करके आए हैं ठीक है वो ज़ाहिर उनकी वो प्रेजेंस उस तरह की नहीं है उनकी वो स्टर्न नहीं है और बड़ा धीमा सा और वो टिमिट सा एक परसन जाता है दैट इज़ एब्सोल्यूटली फ़ाइन और मैं इस चीज़ का बिल्कुल रखता हूँ अब ट्रम्प देखें ना ट्रम्प की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ट्रम्प हमेशा जो है ना क्या करता है कि वो आप गूगल कीजिए यूट्यूब कीजिए ट्रम्प हैंड शेक्स तो एक कंपाइलेशन आएगी तो वो हाथ जब भी पकड़ता है ना यूँ खींच लेता है बंदे को अपनी तरफ खींचा बंदा डर ही जाएगा बंदा कर क्या रहा है सिमिलरली पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अभी मैं इस्लामाबाद गया था तो मुझे लोगों ने बताया कि वो कभी भी आपसे तस्वीर खिंचवाएंगे ना सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब ये फ़ोन है या लिफाफा है तो वो आपको यूँ दे रहे ना तस्वीर खिंचाने के लिए तो जैसे ही आप आगे होंगे ना वो थोड़ा सा पीछे कर लेंगे वाई क्योंकि उससे फिर बंदा यूँ झुक जाता है तो जब तस्वीर खींचे ना खचक करके तो बंदा झुका हुआ आएगा टैक्टिक्स समझ रहे हैं और ये ज़्यादा पुराने वजीर अज़म नहीं है मैं नाम नहीं ले रहा सब so, बिल्कुल ये चीज़ें ज़रूरी हैं हाउ एवर इन चीज़ों की बुनियाद पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी खूबसूरत है ठीक है उस बुनियाद पे आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें या फिर आप बस बोलें कि भाई चूंकि ये हैंडसम है तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहिए ये मैार नहीं होना चाहिए मयार बाकी चीज़ों पे होना चाहिए कि भाई कि बंदा हुकूमत चला सकता है नहीं चला सकता या उसका तजुर्बा है वगैरह 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 ठीक है अब वो जैसी भी रही उनकी परफॉर्मेंस उसमें ज़्यादा ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दो साल कोविड खा गया और ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ ही वॉज़ वेरी अनलकी क्योंकि चार साल के कम अरस की हुकूमत मिली उसमें से दो साल कोविड खा गया हाउ एवर आई हैव कैटेगोरिकली मैंशन कि जिस तरह पाकिस्तान पाकिस्तान ने कोविड का केस लड़ा था दुनिया मतलब कोविड के अगेंस्ट जो फाइट की थी जिसमें तमाम लोग एक इन्होंने कौन सा सेंटर बनाया था तो कं, कं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो सॉरी वो तो वॉर में होता है एक और चीज़ थी वो इतनी अच्छी मैनेज की थी कि पाकिस्तान मतलब बराबर मुल्क में इंडिया में हमने देखा था लोग सड़कों पर मर रहे थे ऑक्सीजन टैंक्स अवेलेबल नहीं थे बड़े मसले थे उसी देश के बराबर में हमारे मुल्क में उस तरह का नहीं होता था इट वॉज़ वेरी वेल मैनेज लॉकडाउन बहुत सख्त था कल ही मैं कुछ बिजनेस ओनर्स के साथ बैठा हुआ था रोल कबाब खा रहा था तो वो बता रहे थे कि किस तरह यहाँ पे इतनी सख्ती होती थी लॉकडाउन में कि शटर बंद करके अगर कोई रोल लेने आया ना ऑर्डर किया तो हम बोलते थे कि भाई वहाँ जाके उस गली में खड़ा हो जाओ और फिर हमारा राइडर बग़ैर यूनिफॉर्म के रैंडम शटर के उसने खाना लेके गाड़ी में देता दे था, था जो कि अक्सर अगर पुलिस पकड़ ले कि गरम गरम खाना है तो खाना भी जब्त बंदा भी अंदर सो लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट था और यही वजह है कि पाकिस्तान में उस तरह की वो नहीं हुई कैटास्ट्रोफी काटस्ट्र, जिस तरह दूसरे मुल्कों में हुई थी तो वो बातें अपनी जगह हैं ठीक है ना लेकिन ये सिर्फ अब जिस तरह हम देखते हैं टिकटॉक पे एंट्री चेक करो अभी मैं देख रहा था आज फिर वो गंडापुर साहब ट्रक पर खड़े हुए हैं और वो आ रहे हैं पेशावर से निकले हैं रावलपिंडी में विच इज़ वाई वॉइस नोट्स नहीं जा रहे मतलब हो रहा है वहाँ पर जलसा नैट या नहीं चल रहा तस्वीरें नहीं आ रही तस्वीर डाउनलोड करने फिर घर जाना पड़ा वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हुआ वो किसी ने भेजा था कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट था तो ये तो हाल है अब सोचे करीम इंड्राइव वाले का क्या हाल होगा जो बेचारा सड़क पे खड़ा है जिसने फूड पांडा वाले ने रास्ता पूछना है वो वॉइस नोट ही नहीं कर पाएगा खैर वो एक अलग डिबेट है तो उसमें भी वही लिखा हुआ था कि दबंग एंट्री के साथ आ रहे हैं मतलब दबंग एंट्री का क्या करना है हमने भाई मसले हल होने चाहिए लोगों के लोगों की ज़िंदगी आसान हो और आप उस बुनियाद पे लीडर को सेलेक्ट करें ये बिल्कुल देखें यहाँ डेमोक्रेसी वाली बात है लोग मजाक उड़ाते हैं यूथ ये हैं या ये हैं या वो हैं या फिर पटवारी हैं दिस एंड दैट जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है पोलिटिकली वो आपका पूरा पूरा हक है और पूरा पूरा राइट है आप उसको एक्सरसाइज करें मेरा क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि चूंकि हैंडसम है तो वो होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए आप मैार रखें भाई परफॉर्मेंस का ठीक है परफॉर्मेंस का मैार रखें लीडरशिप का मैार रखें वगैरह वग़ैरह मैंने हमेशा इस बुनियाद पे बात की है और मैंने जितनी बार लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार आप मिले हैं उनसे दो बार और एक बार तो बड़ा वन ऑन वन था और ये अच्छा ये मज़े की बात आ, लोग जो है ना लोग ईमान लाए पीटीआई पे 2012 के जलसे के बाद मैं आपको अगर अभी तस्वीरें दिखाऊँ ना 2008 2009 की इन्हीं इलाकों में ये बुखारी में और ये फेस सिक्स में छोटे छोटे से कैफ़ेज़ में कॉर्नर मीटिंग्स होती थी 12 बार मैक्सिमम 20 लोग आते थे मैं मैं पिछले इलेक्शन तक इन नॉट दिस वन उनकी मेलिंग लिस्ट में था मैडम सादिया पूरा नाम नहीं लूँगा वो मेलिंग लिस्ट चलती थी तो उसमें बाकायदा आता था अब ये प्रोग्राम है अब ये प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है मेरी इतनी पुरानी तस्वीरें हैं उनके साथ उनके मतलब बिलीवर था भाई मैं ज़ाहिर एक वक्त पे सब यूथिए थे एनी anyway, वे मैं जो थोड़ा सा बैक ट्रैक हुआ वो हुआ था 2012 दिसंबर के जलसे में जो कि कराची में हुआ ठीक है वहाँ पे ख़ुर्शीद कसूरी साहब खड़े हुए थे स्टेज पे जिन्होंने ज्वाइन की थी पीटीआई अब मैंने ये सोचा यार इनके साढ़े आठ सौ बीकन हाउस इस मुल्क में चलते हैं और इनका महीने का टर्नओवर अरबों रुपए में तो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे एजुकेशन सही हो क्यों भाई ऐसा ही है तुम्हें तो आ रहे अरबों आ रहे हो महीने में तुम क्यों सही फिक्स करोगे फिर साथ में आए जावेद हाशमी साहब अब जावेद हाशमी साहब रेवोल्यूशनरी आदमी ज़रूर हैं लेकिन वो आए तो नून से ही देना तो उस वक्त उस वक्त में बारह का जो मेरा दिमाग था ज़ाहिर इंसान इवॉल्व करता है बारह साल पहले मैं क्या ही था तो मैंने उनको देखा मैं यार ये भी वहीं से हैं फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी आई थिंक उसी में जलसे में थे और एक दो और ज्वाइनिंग हुई थी अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में वो किसने लिखा था रौफ क्लासरा साहब ने लिखा था कि भाई उनसे जब लोग उनसे उनके दरबार में लोग मिलने आते हैं तो पीट करके नहीं निकलते यूं झुक के निकलते हैं तो वो कभी क्यों चाहेगा कि इस मुल्क के लोग आज़ाद हों समझ रहे मेरी बात तो भाई ये सारी चीज़ें रिंग होती नहीं जहन में तो थोड़ा सा बंदा बैक ट्रैक हुआ कि यार मतलब वही चीज़ें ले ली फिर अगेन एवो एवोल्यूशन हुआ दिमाग का तो समझ आ रही है सिस्टम ही ऐसा है नए लोग नया बंदा तो आ ही नहीं सकता तो आपको इलेक्टेबल चाहिए ही चाहिए होते हैं और ये पाकिस्तान ऐसा कीचड़ है कि उस कीचड़ में ऐसा नहीं हो सकते एक तरफ कीचड़ जमा हुआ है और आप सफ़ेद कॉटन का सूट पहन के बग़ैर दाग के निकल जाएँ पॉलिटिक्स की बात करो तो आपको कूदना ही पड़ता है ठीक है ये सारी चीज़ें हमने समझना शुरू की और जब जहंगीर तरीन साहब जहाज पे शॉपिंग कर रहे थे पिछले इलेक्शन में कभी उधर उतर रहे हैं कभी कहाँ उतर रहे हैं बंदे उठा रहे हैं तो बुरा लगा लेकिन फिर बाद में समझ आया यार यही तरीक़ा कह है हॉर्स ट्रेडिंग यही होती है जब जब ये करते तो अब ये कर रहे हैं समझ तरीका कारा है तो ये चीज़ें समझ में आने लगियाँ आहिस्ता आहिस्ता और मुझसे जितने लोगों ने भी पूछा है कि आपका पर्सनल असेसमेंट क्या है तो मैं आज भी कहता हूँ कि उनकी नीयत बुरी नहीं है आगे पीछे के लोग प्लस माइनस हैं अब वो ज़ाहिर सीधे आदमी हैं ये बात तो Uh, सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और एडमिट भी करते हैं खान साहब सीधे आदमी बातों मान लेते हैं कि हाँ यार ये सही कह रहा हो क्योंकि वो उनकी अपनी नीयत सही तो लगता है सबकी सही है अब वो जो आस के लोग जो रहे पिछली हुकूमत में या वट उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड फिर उसने नुकसान भी पहुंचाया और फिर वो बाकी सारी चीज़ें आपके सामने तो पर्सनली अगर बोलें उनकी नीयत बुरी नहीं है तरीक़कार से आप बिल्कुल वो कर सकते हैं कि आ, लोग कहते हैं जी वो आ, वो भी फैश्स दिमाग के थे वगैरह वगैरह वो सारी डिबेटेबल चीज़ें हैं मगर द ग्रेटर गुड ऑफ पाकिस्तान ज़रूर उनके दिल में होगा मगर तरीक़ार पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि हाँ यार ये सही नहीं था ये एकदम सही नहीं था ये चीज़ सही नहीं थी सो इंडिविजुअली येस मगर अब मेरा क्वेश्चन ये है पब्लिक को वो यही है कि सिर्फ इस बुनियाद पर कि गुड लुकिंग है वोट नहीं देना होता आपने पूरी चीज़ देखनी है परफॉर्मेंस देखनी है कैरेक्टर देखना है बैकग्राउंड देखना है सब चीज़ें कल को इनसे हैंडसम आ गया कोई फिर फिर क्या होगा क्योंकि भाई देखिए जब आप लुक्स पे ध्यान दे रहे होते ना सो यू आर ओनली अनदर हैंडसम पर्सन अवे फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत खातीन आती हैं तो अगर वो लुक्स पे ही काउंट कर रही हो ना तो दे आर ओनली रेलिवेंट टिल द नेक्स्ट गर्ल ड्रॉप्स इन सेम गोज फॉर एक्ट्रेसेस तो आपने परफॉर्मेंस पे जज करना तो मेरा हमेशा से ये रहा है अच्छा ये तो हो गई बात क्लियर अब आपने बोला कि जी उनसे रशिया चाइना सब डर रहे थे देखे भाई उनको निकालने वाले जो है ना वो चाइना सऊदी अरेबिया इन्हीं का ही हाथ था तो अब ये कि सऊदी अरेबिया ने एक्नॉलेज किया एक्नॉलेज तो वो शहाज़ शरीफ को भी करते हैं तभी तो वो टूअर करते हैं एक्नॉलेजमेंट तो मिल जाती है रिस्पेक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई वो ज़्यादा ठीक है किस देखे पर्सनल एफिनिटी होती है ऑफ़कोर्स ट्रंप की दोस्ती थी खान साहब से पर्सनल एफिनिटी अलग होती है लेकिन ग्रेटर गुड वुल मुल्क का ही देखा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन का पहला आ, मुद्दा ही यही है कि ना ज़्यादा दोस्ती ना ज़्यादा दुश्मनी नेशनल इंटरेस्ट तो नेशनल इंटरेस्ट पे चलता है अब चाइना उनसे नाराज़ हुआ सऊदी उनसे क्यों नाराज़ हुआ सऊ एम के प्राइवेट जेट में खान साहब ने क्या बातें की वगैरह वगैरह अब ये सारी चीज़ें हैं और उन्होंने बोला था कि भाई नहीं चाहिए अभी भी जो फजल रहमान साहब को फ़ोन आया वोट के लिए ये जो भी चल रहा था मामला तो यही चीज़ रिपोर्ट हुई ना कि एक बड़े इस्लामी मुल्क से कॉल आई है उनको नहीं चाहिए खान साहब तो वो अब ये अनफॉर्चुनेट है हम लोग तो बेचारे धूप में खड़े होकर वोट देते हैं लेकिन डिसाइड दूसरे मुल्क कर रहे होते हैं यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा अल्लाह रहम करे तो वो ये कि एक्नॉलेज बाय तो एक्नॉलेज में वो यूएसए की आप बात करिए बाइडन तो फ़ोन ही नहीं उठाता था खान साहब का ठीक है मोदी से भी अच्छे ताल्लुक नहीं थे और सऊदी का आपको मैंने बता दिया चाइना इसलिए नाराज था कि सी में थोड़ी सी उनको शिकायतें थी रशिया से बस इतना था कि मुझे तो लगता है रशिया ने ट्रैप किया था उनका फुल मूड था अटैक का खान साहब को खड़ा करके अटैक करा दिया और दुनिया को ये सिंबल गया कि भाई ये साथ हैं इस पे बाइडन की और हटी और ख़ान साहब का वो स्टेटमेंट भी था ना वी आर इन इंटरेस्टिंग टाइम्स वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द वर्ल्ड तो अब वो यूक्रेन के मामले में हम सब ने देखा वेस्टर्न कंट्रीज अरे भाई कौन से यूरोप के मुल्क में बड़े बड़े झंडे नहीं लगे हुए थे हान जिमर का मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया हान जिमर ने कपड़े ही वही पहने हुए थे कोल्ड प्ले मैंने अटेंड किया कोल्ड प्ले ने उसने क्रिस मार्टिन ने रिस् बैंड पहना हुआ था पूरे बैंड ने यूक्रेन के कलर्स का यूक्रेन का झंडा बार बार आया मतलब आपको पता है ना जब वेस्ट प्रॉपर पे आता है तो फिर फुल ऑन आता है हर तरह से हान जिमर के कपड़े यूक्रेन के कलर के थे खाकी तो उसने पहनी हुई थी और ब्लू कलर की उसकी पोलो थी यानी वो परफॉर्मिंग ओटू अरीना की बात बता रहा हूँ सब दुनिया तो उस साइड थी और फिर दुनिया को सिंबल मैसेज ये गया कि जी ये तो रशिया के साथ खड़े हैं तो ज़रा और मसले मसाइल हो गए खैर तो बस ये मेरा पर्सपेक्टिव था मैम कोई मेरी पर्सनल वो नहीं है आप बिल्कुल आपकी साइड्स हो सकती हैं पॉलिटिकल सबकी होनी चाहिए और इसमें कोई कबाहत नहीं है हाँ बस मेरा वो ये है कि इस बुनियाद पर यार एंट्री देखो खान साहब की एंट्री टाइट देते हैं खान साहब खास काले चश्मे वाला जो एक, एक क्लिप है ना उनका चलता है ये बात तो क्लियर है मगर उससे ना उस उसकी बुनियाद पे आप लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते आपको शॉर्ट टर्म चस्कें मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म वो चीज़ नहीं जाती लॉन्ग टर्म होते हैं आपके डिसीशन होते हैं आपकी लीडरशिप होती है आपके फैसले होते हैं फैसले डिफ़ाइन करते हैं कि आप किधर हो इधर हो या उधर हो और भुट्टो साहब के फैसले जो थे माशा आज तक हम भुगत रहे हैं जिया साहब के जो फैसले थे आज हम भुगत रहे हैं दे आर लॉन्ग ऑन हम भुगत रहे हैं राइट फैसले डिटर्मिन करते हैं कि मुल्क किस सिम जाएगा और मुल्क का क्या हाल होगा तो इन पे जज करना है हमने लुक्स माशाल्लाह अल्लाह और ख़ूबसूरती दे लंबी उम्र दे सबको लेकिन ये कि मैद और मैार जो है ना हमें थोड़ा सा बदलना होगा ख़ास तौर तो पर लीडरशिप का क्योंकि भाई उनके फ़ैसलों से हमारी नस्लें संवर भी सकती हैं और बर्बाद तो आपके सामने ही है कल एक मैंने वो देखा वो किसी कॉलेज में कोई इवेंट था तो वो हुकूमत के लोग कह रहे थे नहीं नहीं हमारे नौजवान तो रहना चाह रहे हैं तो वहीं पे पूछ लिया आई थिंक मंसूर अली ख़ान थे कौन थे कि भाई कितने लोग बाहर जाना चाहते थे सब ने हाथ उठा लिया <laughs> कोई ढेर नहीं, नहीं चाहता यहाँ पे तो ये देखे ना ये पुराने फैसले कि आज कोई रहना नहीं चाहता मैं इस्लामाबाद में था तो मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर वहाँ पे काम था अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दरवाज़े बंद होते जा रहे हैं मैंने आप बताया भी था मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगा डिस्पाइट द फैक्ट आई वॉज देयर आई हैव ट्रेवल्ड सो मैनी कंट्रीज़ नहीं लगा तो वो टर्की के लिए भी अब ये है कि जी आप विजिट भी विजिट था या आई थिंक कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया था मेरे दोस्त को तो कि भाई डिग्री जो है मोफा से अटेस्ट होगी मोफा बोलेगा तो हम आपको देंगे मोफा गया तो वहाँ तो सोफ़ा लगा हुआ था इतने सारे लोग तो पता चला कि मैं सुबह सात बजे चला जाऊँगा जब सात बजे गया तो उतना ही रश पता चला लोग रात को दो बजे आके कैंपिंग करते हैं ये मैं एटलीस्ट इस्लामाबाद वाले मोफा की बात कर रहा हूँ और मैंने उनसे ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे ले चले मैं व्लॉग बना लूँगा कि दिखाऊंगा कि भाई देखो लोग इतना तरस रहे हैं बाहर जाने को कि पाकिस्तान के कैपिटल का ये हाल है लोग रात को आके कैंप लगा रहे हैं कि हमें किसी तरह ऐसे निकाल दो तो देखिए ना ये किसी के गलत डिसीजन से ना कि आज मुल्क इस नहज पर पहुँचे कि आपके पासपोर्ट के पेपर ही ख़त्म हो जाते हैं इतना पा डेली अड़सठ हज़ार पासपोर्ट प्रोसेस हो रहे हैं सिक्सटी एट थाउजेंड पासपोर्ट प्रोसेस हो रहे हैं इसमें ज़्यादा वो भी होंगे जो पिछले एक्सपायर हैं और इसमें ज़्यादातर वो हैं जो नए बन रहे हैं सो so यस yes, ये डिसीशनस की वजह से पुराने माजी में लिए गए डिसीशन अब चाहे वो मुशरफ़ का डिसीशन हो वॉर ऑन टेरर का चाहे वो जिया साहब का हो इस्लामाइजेशन वाला या चाहे वो भुट्टो साहब का हो कि जी इतनी पावर दे दो मौलवियों को कि भाई डिक्लेयर कर लो भाई तू काफिर है तू ये है तू ये है तो आज देखें आज मौलवी वो आग मौलवियों पे आ गई तारिक मसूद साहब बेचारे इधर उधर से बयान देते हुए आठ माफियाँ आ चुकी हैं उनकी तो अब क्या बंदा बात करे इस पर तो मैं बात ही नहीं करता भाई वीडियो शीडियो में बनाता ही नहीं हूँ खली वली ये तो इस पर तो कुछ प्रूव ही नहीं करना ना बस बोलना ही ये है और आठ लोगों ने आना और खली वली कर देना आपको खैर आई आई आंसर योर क्वेश्चन अल्लाह हम सब का नासिर और हमें बेहतरीन लीडरशिप मिले इस मुल्क में ख्याल कीजिएगा अरे जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ विद हर इसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन इट हैज़ टू डू विद हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ सार्क जुनीत बाई होप यू डूइंग वेल आई एम रीचिंग आउट टू यू टू विद अ डीप सेंस ऑफ वलरेबिलिटी इट हैज़ टेकन इट्स टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू गैदर करेज to write this email but i've realized that sometimes we just need to jot down our feelings i'm a 21 year old male and for years now i have been struggling with a condition known as hirsutism it's something that's often spoken uh, about in hushed tones or not at all and i've found that this silence only adds to burden that i carry hirsutism as you might know is a condition where a woman experiences excessive hair growth in areas where men typically grow hair like the face chest and the back it's not just a cosmetic issue it's something that has deeply affected my self-esteem my sense of femininity and my confidence sorry ismay namjoheh male but clearly it's a female from a young age i was always taught that beauty comes from within that our worth isn't defined by our appearance but as i've grown older i've found it increasingly difficult to internalize this belief every time i look in the mirror i am confronted by an image that doesn't align with the societal standards of beauty that we're bombarded with every day the thick coarse hair on my face and body is a constant reminder that i am a different and i don't fit the m mold of what a woman should look like this difference has made me feel incredibly isolated. I often find myself avoiding social situations, shying away from gatherings and staying silent uh, when the topic of beauty or grooming comes up among friends. It's as if this condition has put a wall between me and the world, a barrier that that's become increasingly difficult to break through. I've tried various treatments, spent countless hours and resources on hair removal methods, and yet the problem persists. It's exhausting both physically and emotionally. But more than the physical toll, it's the emotional weight that's the hardest uh, to bear. I feel ugly. Junit Bhai, it's not just about the hair, it's about the way this condition has made me see myself as less than, as unworthy of love, as someone who doesn't deserve to feel beautiful. The worst part is the fear of judgment. I know that our society can be unforgiving when it comes to anything that deviates from the norm. I fear that people will see me as abnormal or unattractive that they'll judge me before they get to know who I am beneath the surface. This fear has caused me to retreat into myself to lose the confidence I once had. I used to be someone who loved to meet new people who could walk into a room with her head hi held high, but now I find myself constantly worrying about whether other others can see the hair that i have worked so hard to hide i feel like i've lost a part of myself and i don't know how to get it back that's why i'm writing to you i'm trying to find my way back to a place where i can feel good about myself where i can embrace who i am without feeling the need to hide or apologize for my appearance i want to believe that i am more than my condition that i am worthy of love and acceptance but it's hard to hold on to that belief when i feel so overwhelmed by this struggle thank you for t taking the time to read my email सो so, जैसे कि आपने ये सुना कि ये एक आ, खातून हैं जिनको ये कंडीशन है जिसमें मर्दों की तरह जो हेयर है, हेयर ग्रोथ हो जाती है आई थिंक आप लोगों ने वो आई थिंक देर दिस पर्सन फ्रॉम इंडिया शी इज़ अ सीख और शी हैज़ लाइक अ प्रॉपर बियर्ड राइट तो दिस दैट इज़ द कंडीशन बेसिकली इन सम केसिज़ पीपल टेक टेस्टस्टोरॉन वगैरह मतलब वो वो लोग जो ट्रांजिशन कर रहे होते हैं वो एक अलग चीज़ है बट दिस इज़ कंडीशन जिसमें ये कि ना चाहते हुए भी यू गेट हेयर ऑन एरियाज जहाँ पे यूजली मर्दों के होते हैं एंड ऑफकोर्स इट कॉज़ कॉन्फिडेंस इशू सिमिलरली आई हैव spoken about countless times spoken about my own cousin who doesn't have hair on half of his head. Or uh, so, to confidence low raha he's over 35, still a virgin. And um uh, girlfriend is a male friend to the point if I WhatsApp him right now, he might check it on Monday because he knows there's nobody messaging him. Uska confidence is shattered over the course of let's say 34 years of his life स्कूल से एंड आई वुड सी आई मीन लाइक जब हम छोटे थे हम भी उसको तंग करते थे बट देन ऑफ कोर्स वी रियलाइज़ कि वो हर्ट होता है तो फिर हमने वो पॉइंट आउट करना छोड़ दिया बट ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिम हाउ हाउ ही बिहेव वो डर जाता है वो फ्रिजड हो जाता है आ, और वो थोड़ा सा आ, श्रिंक हो जाता है क्योंकि आ, जब हम चल रहे होते थे ना तो लोग पलट के देखते थे आगे से तो वो उसको ये चीज़ बहुत बहुत करती थी कि हर कोई मुझे पलट के क्यों देख रहा है मैं एलियन क्यों हूँ तो वो ऑब्वियसली उसका एक ज़ारा टोल है ज़िंदगी भर स्कूल में भी बुली हुआ होगा फॉर श्योर तो वहाँ से भी कॉन्फिडेंस शैटर होता है एंड देन वी लिव इन सच अ सोसाइटी जहाँ पे इट्स अ नॉर्म अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बन कबाब वाले होते थे उसको इंट थे तो उनको काणे का बन कबाब उसकी दुकान का नाम किसी को नहीं पता बट काणे का बन कबाब तो लंगड़ा काला ये सब चीज़ें यहाँ पे इतनी कॉमन है कि लोगों में सेंसिटिविटी है ही नहीं तब सोसाइटी तो खैर बदल नहीं सकती बेहतर है इंसान अपनी सोसाइटी बदल ले और किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे कम से कम लोग उनको इन बुनियादों पे जज ना करें अनफॉर्चुनेटली लिव इन अ पेट्रीर्कल सोसाइटी जहाँ पे ब्यूटी नॉर्म्स लोगों ने सेट किए हुए हैं और अब जो के पहले लेट्स से टीवी या फिल्म की वजह से थे अब तो वो एक इन्फ्लुएंसर कल्चर भी आ गया है उसमें ऐड हो गया है एंड एवरीबडीज़ लाइफ इज़ सो परफेक्ट एंड लाइक एज यू कीप स्क्रोलिंगिंग यू रियलाइज़ के एवरी वन एल्स इज़ ब्यूटिफुल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट मी इसका बहुत मेंटल टोल है टू द पॉइंट के दे केम अ पॉइंट जहाँ पे इंस्टाग्राम ने अपने लाइक्स भी हाइड करना शुरू कर दिए थे इन सम कंट्रीज़ आई थिंक यू हैव दैट ऑप्शन नाउ दैट इज़ प्राइम दैट वॉज प्राइमरली बिकॉज लोग हर्ट हो रहे थे फील करके कि यार अगला इतना पॉपुलर है तो मैं क्यों नहीं हूँ एंड इट्स रियली रियली कॉजिंग अ लॉट ऑफ मैंटल डिस्ट्रेस खास तौर पर ख़ुतिन को जैसे कि वीमेन हु लिव इन इन सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान वन दे सी एन इन्फ्लुंसर रोमिंग अराउंड इन द स्ट्रीट ऑफ बाकू और टर्की और हेयर एंड देयर वेरिंग नाइस ड्रेसिज डिस एंड द तो लगता है बड़ी परफेक्ट लाइफ है अभी जो एक और इन्फ्लुंसर वो व्लागर हैं वो उनकी बीसवीं साल की रहती है अभी तक बीस की हुई हैं वो तो वो गुब्बारे लेके हवा में उड़ रही थी क्रेन से लटकी हुई थी तो ऑब्वियसली अब जाहिर है उनके जो फॉलोअर्स हैं वो देखेंगी पीपल फ्राम अंडर प्रविलेज बैकग्राउंड भी लाइक यार उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और हेर वी यार हमारे घर में लाइट नहीं आ रही या गर्मी है या दिस एंड दैट सो इट इज़ इन्फ्लुएंस अ कल्चर एंड इवन पॉन टू सम इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस बोर्ड टू मैन एंड वेमेन अब uh, ये एक, एक हमारे यहाँ बना हुआ है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड लोगों ने बनाए हुए हैं एनी एनी बडी आउटसाइड ऑफ दैट इज़ मैसिवली जज्ड एंड आपकी तो चले कंडीशन uh, Is a little on the extreme side because you don't get to see that much that often. Perhaps maybe people are good in hiding. But let's talk about like women who are oversized, right? Uh, because uh, anything other than that, I I ran into someone who was my height and like quite broad. Uh, to आई कुड सी द आईज़ अराउंड कि वो सारे उसको यही देख रहे थे कि ये क्या आ गया है समथिंग बिकॉज हमने वो एक चीज़ वो इनग्रेन हुई हुई है हमारे यहाँ और हमें इसकी तमीज़ तहजीब भी नहीं सीखाई कि अगर इफ़ यू सी समन और यू कम अक्रॉस समन आउटसाइड ऑफ द नॉर्म तो आपने किस तरह बिहेव करना है या आपने किस तरह अगले को जज नहीं करना है आपकी किसी मैनरज़म से अगले को ये फील ना हो कि आप या तो अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं या फिर आप ओगल ज़्यादा कर रहे हैं आप ऊपर से नीचे स्कैन कर रहे हैं बट uh, uh, हमारे यहाँ चूँकि सेंसिटिविटीज़ ना कहीं पढ़ाई जाती हैं ना सिखाई जाती हैं एटलीस्ट डॉक्टर्स वगैरह या जो नर्सिंग स्टाफ होता है बिकॉज दे कम अक्रॉस सो मैनी केसेज सो मैनी डिजीज़ज सो मैनी पीपल विद स्किन कंडीशन वगैरह तो वो उतना वो उससे वो हो जाते हैं मानूस हो जाते हैं कि वो उस तरह फील नहीं करते और उनकी सारे एक ट्रेनिंग भी होती है एथिक्स उनको बाकायदा इस चीज़ की पढ़ाई जाती है कि आपने अगले को फील नहीं होने देना कि उसके साथ कोई मसला है या वो कोई एलियन फॉर्म में है या कुछ है आपने उसको उसी तरह ट्रीट करना है एज uh, ए मतलब आप उससे कुछ उलझ नहीं रहे आपको घिन नहीं आ रही आप अजीब ना हो रहे समझ रहे हैं क्योंकि फिर अगला वही फील करता है क्योंकि दैट इज़ दैट व्हाट दैट पर्सन हैज़ बिन ऑब्जर्विंग थ्रू आउट सो आई होप हमारे यहाँ लोगों में ये एक्सेप्टेंस आए कम अज़ कम Uh, जहाँ पे वो किसी को इतना फील ना कराएं एंड लाइक विजिबली अनकम्फर्टेबल ना शो करें कि एक बंदा जो कि पहले उसको सोशल एंग्जाइटी है इस वजह से तो वो और अपने आप को कमरे में बंद करें दैट इज़ नॉट द वे आई नीड आई थिंक यू नीड टू एम्ब्रेस एंड यू नीड टू लिव विद द फैक्ट एन इट्स अ कंडीशन हो जाती है लोगों में एंड यू नीड टू बी मोर आउटडोर्स एंड यू नो मीट मोर पीपल मे बी जितना ज़्यादा आप फ्रीकुनटली लोगों से मिलेंगे पीपल वेल कम टू अर्ट पॉइंट के दे माइट नॉट इवन नोटिस आफ्टर आफ्टर अवाइल बाकी इसका ट्रीटमेंट uh, का मुझे इसका बिल्कुल नहीं अंदाजा uh, कि क्या होती है या किस तरह होती है आई एम श्योर आपने सारे मेजर्स लिए होंगे ऑल द पॉसिबल मेजर्स दे आर अराउंड देर हाउ एवर अगर कोई ऐसा शख्स सुन रहा है या सुन रही है हुज़ गॉन् थ्रू अ सिमिलर केस विद दैम सेल्स और बाय एनी वन अराउंड मे बी इफ यू आर अ फिजिशियन ऑफ सॉर्ट्स हु अंडरस्टैंड दिस थिंग सो प्लीज़ डो राइट अ डिटेल्ड कॉमेंट अराउंड इट ताकि इनकी हेल्प हो सके बाकी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यू नीड टू एम्ब्रेस योर सेल्फ एज़ मच एज यू कैन एवरी वन इज़ मेड इन गॉड्स इमेज हर इंसान खूबसूरत है इनसाइड एंड आउटसाइड ये लोगों की अपने परसीव नोशंस हैं कि उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है कि बस वो ये टेम्पलेट हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है टू नॉट लेट योर सेल्फ मीट डाउन जस्ट बिकॉज द वे Uh, these people behave log, hai. that should not be the, that's their problem Ye unki mein hai ke wo behave kar rahe. that should not hurt you okay, masla hai. they will deal with that you are made in god's image and you need to embrace beauty and i'm sure you are very beautiful and you've written such a nice email and i'm, I'm sure uh, you must be very intelligent as well and i can see that in your email so that is also a form of beauty not a lot of people in our country have. So be comfortable, try to be comfortable in your own skin and uh, try to embrace as much as you can. And I'm sure just uh, a you you are taking remedies and you are trying to uh, find a solution. and I hope you do inshallah. एंड बट इसको बिल्कुल ना फील करें और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट ना करें बिकॉज आइसोलेशन विल मेक थिंग्स इवन वर्स यू गाना गो ऑन लाइन यू गाना गो एड ऑन देखें इफ़ यू गो आउट यू सी फाइनइट अमाउंट ऑफ पीपल बट इफ़ यू गो इफ़ यू लॉग इन टू इंस्टाग्राम एंड यूर स्क्रोलिंग थ्रू रील्स यू कम अक्रॉस टेन मिलियन पीपल इन अ मैटर ऑफ आवर्स एंड that is something is going to make you feel even worse so try to find like-minded people try to find non-judgmental people try to find spend more time be more outdoor, outdoorsy put yourself out there as much as you can because uh, that is a fight you need to have or isolation may fight the fight must happen in a battlefield and you need to embrace it and you, you need to have the air of confidence uh, in you you are beautiful and you need to feel that you need to start feeling that if you are not feeling that सोफार एंड जस्ट बी आउट देर एंड वली लोगों का तो काम है बोलना अपनी ज़िंदगी गुजारें भाई चिल करें और इनशाला आई होप यू फाइंड द सोल्यूशन वेरी इसमें टेक केयर origin next email. PKR devaluation has ruined my life. Morning, Junit Bhai. Hope this email reaches you on a peaceful day. Though peace has been elusive for me for quite some time now, this email is going to be a very long one. As I sit here writing this, I am overwhelmed with a deep sense of loss. A loss not only of opportunities, but also of the hope and dreams that once defined who I was. I was once consider considered a prodigy alongside my dear younger sister and brother, starting university at just 17 on a full scholarship in a top university in Karachi. I thrived academically and was fortunate enough to receive a fully funded opportunity to uh, through the UGRAD program to study in the USA for a semester at the age of 18. This semester completely changed my life, uh, of course, America, and it became my top goal to return to the US after completing my undergrad. I had scored 115 on my TOEFL, which was paid for by by the US EFP, when I was completing my U grad onboarding process. When I came back to Pakistan, I immediately started working as a full time UX designer alongside my studies, saving every rupee in the hope of funding my GRE and eventually earning a master's degree in the USA. I poured my heart into my studies, graduating with a 3.8 GPA and GRE score of 330, numbers that I thought would be the ticket to my dreams. In 2021, I spent rupees 28,000 on my GRE fee. Believing it was an investment in the better future. After months of efforts and sleepless nights, I was accepted into the into two Ivy League universities and four other prestigious institutions, three of them offering full scholarships. MashaAllah. I was on the brink of a life I had worked tirelessly for. The doors to my future were wide open and I was ready to walk through them. But then in April of the same year, uh, my world was shattered. My 18 year old baby sister, the love, light, and the joy of my life, died due to anorexia. Sorry to hear that. After that, the rest of my 2021 is a blob of blur. I barely remember anything from that year. After writing this sentence, this email was left behind in my drafts for several days actually. I can totally imagine. Still, life moved forward, and I tried to pick up the pieces of my shattered heart. My mother and younger brother were incredibly supportive throughout the pain. I found a job uh, relevant to my field, though every fiber of my being longed for the future I had envisioned for myself abroad. I forced myself to start the grueling application uh, process. Once more, my TOEFL scores had expired and I had to pay again for the test that I had once excelled in. This added a big dent into my savings. In the early 2022, a brief ray of hope appeared. I was accepted into the prestigious Fulbright Scholarship Program. It felt like uh, life was offering a second chance, a way to honor my sister's memory by continuing to strive for excellence. However, this fleeting hope was soon eclipsed by another devastating blow. My mother suffered a sudden and severe heart attack in March. My father, a taxi driver in Dubai, couldn't be there with us in a time of need. And with my younger brother still completing his studies at Jiki, the responsibility of caring for my mother uh, fell entirely on me. Okay, this is very applauding. Your father was a taxi driver in Dubai, if I'm not wrong. And despite that, first of all, you write exceptionally well. Uh, it shows that your, uh, your parents have done the right job, man. I'm so proud of you. Knowing this, I had no choice but to reject the Fulbright offer, even though it felt like giving up the last piece of my dream. My mother's health and our financial situation left me with no other option. Her job didn't provide paid leave, and we needed my income to pay her for her treatments and keep her household afloat there was no room for deferrals by mid 2023 after months of fear and uncertainty my mother's health improved and i began to think about pursuing my dream once more my brother had returned to karachi after graduating and securing a job easing some of the financial burdens so it seemed like the right moment to once again start my grad school applications but now as i stand on the precipice of trying again i like how you use the. Uh, the use of precipice of trying again I am faced with an insurmountable obstacle the relentless devaluation of the PKR. The money I saved so painstakingly has lost so much of its value. The cost of application fees have skyrocketed beyond my reach. It feels cruel, Junaid Bhai, so cruel that after everything I've been through, something as abstract as collapse of our currency is the final blow to my hopes and dreams. I have given everything to this dream and yet today I find myself further away from it than I, I was when I started. The world seems to have conspired against me at every turn and I don't know how to keep going when every path feels blocked. I don't know if writing this will change anything but I needed to share my story. I needed someone to hear the weight of what this devaluation has done to people like me. Those of us who have dared to dream only to be crushed by forces beyond our control. Thank you for listening. It means more than words can express. So you have इतनी खूबसूरत ई सुनी बट ऑबियसली वॉज डेविस्टेटिंग टू रीड सो एक भाई हैं जिनकी इतनी बार स्कॉलरशिप मिली आई वी लीग बट बिकॉज ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ वो हो नहीं सकी अभी इसमें एक तरफ ये है कि अब हम हमेशा ही सोचते हैं मतलब दिस इज़ द बिलीव दैट वी लिव विद के हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है परहैप्स यू नो द नेचर द यूनिवर्स न्यू योर मॉम वुड नीड यू इवन मोर एंड दै वॉज़ वन वे टू कीप यू हेयर आई मीन लाइक इसमें से फिर आप बहुत सारी ट्रांसलेशंस निकाल सकते हैं हाउ एवर इट हर्ट्स सो मच टू सी कि एंड आई हैव कम अक्रॉस सो मैनी पीपल लाइक दिस जिनकी बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा उनकी um, जो कि बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव कर सकते थे बट बिकॉज ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स एंड बिकॉज ऑफ फोर्सिस बियॉन्ड अ कंट्रोल एज यो राइट राइट फुल ईप्ट वो नहीं हो पाती अब ये देखें ना पी के आर डी वैल्यूएशन देखें ना वही वाली बात अभी जो मैं बात कर रहा था कि डिसीशन होते हैं वो कौमें बना भी लेते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं अभी एक बच्चा है इसमें पूरा 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 पोटेंशियल है आ, मतलब आईवी लीग्स लीगस की इसको इस्कॉलरशिप्स मिली हैं ये पढ़ लिख के क्या कुछ नहीं बन सकता ज़िंदगी में बट बिकॉज किसी लीडर ने या किसी दूसरे इदारे ने किसी ने अपने काम किए हैं इस तरह के वो उसका इम्पैक्ट कितने माइक्रो लेवल पे जाके एक बच्चे के ख्वाब में हो रहा है अब आप इसका अंदाज़ा लगाएं ऑब्वियसली हिज फादर वर्क हिज इंटायर लाइफ इन दुबई परहैप्स टैक्सी चला के और फिर वहाँ के जो चैलेंजेस होते हैं इतना कुछ करके पाल पोस के या फिर आप लाइक यू नो इफ़ यू गो लाइक टेन जनरेशन बिफोर इंसान अपने आप को सर्वाइव कर कर के करके कर कर करके कर 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 कर, यहाँ तक ले कर आए के ही इज़ हेयर इन दिस लाइफ एंड ही कुड हैव बिन द हारबेंजर ऑफ द चेंज इन द फैमिली होता है ना all you need is one daring person to change the course of your entire khandan or your entire family. i have been lauded like that in my family. but that's what they believe. and this person has all the capabilities. it's just that uh, i will write to you um, and like see uh, whatever i can do to get you out of here. You have all the capabilities. It's just uh, the universe has not been on your side for a while. But in this case, we don't lose courage. In this case, we have to fight. And life do not lose courage. Devaluation is not your fault. But perhaps we can find another way to get you out of here. Abhi pehle, uh, a good, good friend of mine, who I met in New Jersey, in New Jersey, mein Uh, मेरा मीटअप हुआ था जो लोग आए थे लोग सुन भी रहे होंगे तो एक अमजद भाई थे वहाँ पे हु वॉज ऑर्गेनाइजिंग द थिंग जिन्होंने सेल्फी भी ली थी कुर्सी पे खड़े होके तो तो वो उनकी आज वी हैव स्टेट इन टच वो मुझे एयरपोर्ट पे भी मिले फिर हम दुबई में खाना भी खाने गए लवली गए सो वेल अचीव्ड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं ठीक है थीके? आज उनको एक अवार्ड मिला है और वो कह रहे हैं कि किलिबा मैं शायद पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको ये अवॉर्ड मिला हो। कह रहे हैं मैं बहुत मेहनत से अमेरिका में मैं पढ़ा पढ़ाई की थी एन से पढ़ के गए थे एन के ग्राइड हैं ठीक है और कह रहे हैं मैं अमेरिका पढ़ा और मैं बड़ी उम्मीदों से 93 में वापस आया था पाकिस्तान क्या मैं पाकिस्तान में काम करूँगा तो एक साल में आ, उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब थी अगर एक साल में मुझे इतना तंग किया गया इतना तंग किया गया कि मैं विदिन विदिन अ ईयर बारह महीने पूरे जैसे मेरे हुए मैं वापस अमेरिका आया एंड नेवर लुक्ड पैक और मैं यही सोचता हूँ कि मुझ जैसे कितने हज़ार ऐसे लोग हैं जिसको उस मुल्क ने भगाया है यहाँ से कि यहाँ से तो भागो और मैं हमेशा ये कहता हूँ ये काम के लोगों का मुल्क है ही नहीं अगर आपके पास दो नंबर पैसा है आ, चाहे वो आपने किसी भी मद में कमाया हो आपको बदमाशी करनी है बंदे उड़ाने बेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड वो शायद मैंने पिछले एपिसोड में भी शेयर किया वो ताबिश के शो में जो आके कह रहे थे ये तो बहुत अच्छी जगह है हाँ तो रहें फिर आप अच्छी जगह है अगर आपके पास पावर है वरना आप किसी एक आम आदमी से पूछो उसकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद है यहाँ पे सो so, वो यही कह रहे थे एंड राइटफुली सेट मैं इतने लोगों से मिला हूँ और मैं हमेशा ये सोचता यार अगर ये बंदा या ये बंदी पाकिस्तान में होते और ये अपनी यही एक्सपर्टीज़ वहाँ अप्लाई कर रहे होते सो so इसी तरह ख़ास तौर पे जब भी अमेरिका में मैं इतने काम के लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने जिनकी इतनी अकाम्पलिशमेंट्स हैं और इतना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं मैं ये सोचता हूँ यार ये सारा टैलेंट हमारे ही शहरों से निकला हुआ है जो कि दुनिया चला रहे हैं राइट right? तो अफसोस होता है बट दैन अगेन कुछ जगहों पर ना आई थिंक ख़ुदा की रहमत नहीं होती और हम इट्स राइट सेड हमारे मुल्क में नहीं है जितनी कत्ल ग देखो नाइंसाफ़ी जहाँ होगी जहाँ होगा ना उनकी बदुआएँ भी तो होती हैं ना जानवरों की देख लें आप इंसानों की देख लें तो जहाँ पर इतना नाहक खून बहा हो इतना जुल्म हुआ हो इंसानों पर जानवरों पर वो जगह कैसे थ्राइव कर सकती है वो कभी भी थ्राइव नहीं कर सकती तो ये अल्लाह की मार ही है हम पे Uh, कि यहाँ पे कोई अच्छा इंसान रहना ही नहीं चाहता कोई काबिल इंसान यहाँ रह ही नहीं पाता सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइंड है कि यहाँ पे सिर्फ नाकस कारकरी वाले लोग होंगे और वही आपकी बाग दौड़ संभालेंगे आई रियली really होप आप से जितने लोग सुन रहे हैं ना यू गेट टू मीट दो पीपल दैट आई मीट आउटसाइड पाकिस्तान एंड यू गेट टू मीट द काइंड ऑफ पीपल आई मीट इन इस्लामाबाद जो गवर्नमेंट मशीनरी में हैं आप बस जरा ना वो मिनिस्टर लॉजेज और इधर उधर जाएँ यू जस्ट आप आगे पीछे नज़र दौड़ाएँ और आप वो लोग देखें वो कैलेबर आप चेक करें फिर आप बोलेंगे यार मतलब ये क्या ही करता होगा इसकी क्या ही अप्रोच होगी अगर ये आई मिनिस्ट्री में ये इसका कोई पोजीशन है इसको क्या ही पता होगा ठीक है ना हाँ अरे आई मिनिस्टर फा, फायर वॉल को फाइबर वॉल कहती हैं राइट तो, तो बदबाख्ती है ना इस मुल्क की कि इस मुल्क से ही इतना टैलेंट निकलता है और वो आगे जाके थ्राइव करता है तो यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि तो डिज़ाइंड ही ऐसे है कि यहाँ पे चोर उचक्के और इस तरह के जो है ना नडिज़र्विंग लोग वो आपको जगह बना नहीं देंगे क्योंकि उनकी जगह चली जाएगी ना मुझे ख़ुद एक आ, मिनिस्टर ने उनको मेरा एक आइडिया अच्छा लगा रिलेटेड टू साइंसेस बच्चों के लिए ही मैं एक प्लान लेके गया था मैंने बड़े इस तरह की यार सर मारे अगर आपको लगता है ना मैं बड़ा नेगेटिव हूँ तो उसकी एक वजह है मैंने बहुत कोशिश की यहाँ पे चीज़ें करने को अपनी जेब से टिकट लगा के इस्लामाबाद जाके होटल लेके मीटिंगें करके भाई ये कर लें मुल्क के बच्चों के लिए ये कर लें ये कर लें ये कर लें हाँ बड़ा दबस्ट आइडिया है असिस्टेंट बोला इनसे आप कोऑर्डिनेशन रखें असिस्टेंट ने आज तक फ़ोन नहीं किया क्योंकि उसकी नौकरी जाएगी ना सबसे पहले तो उसकी नौकरी जाएगी कि भाई तू इतने सालों से यहाँ क्या कर रहा था अगर एक रैंडम बंदा जिसका कोई साइंस से लेना देना ही नहीं है इकोनॉमिक्स का ग्रैड है वो आके ऐसे आइडियाज़ दे रहा है तो तू इतने साल से मिनिस्ट्री में क्या कर रहा था तो इसी तरह इसी वजह से ये लोग कभी भी काम के लोगों को या काम के आइडियाज़ को आगे आने नहीं देंगे एंड इट्स डिज़ाइन टू फेल ठीक है तो जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई आप यहाँ से तो कटें और आप ये डिवेल्यूएशन में आपका कसूर नहीं और इस डिवेल्यूशन की और भी बहुत मिसालें होंगी आई एम पीटी श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी चीज़ें बीच में होंगी और इतना डिवैल्यू हो गया वो बात कहाँ से कहाँ निकल गई जो चीज़ एक लाख में होती थी अब तीन लाख में हो रही है यह है पड़े पढ़े आपकी वैल्यू गिर गई आई मोस्ट लाइकली रीच आउट टू यू आफ्टर दिस एपिसोड एंड्स अब मुझे नहीं पता ये ई आई कब है क्योंकि मैंने ये वर्ड पर कॉपी कर लेता हूँ तो मेरे पास वो डिटेल नहीं है आई एम नॉट श्योर ये कितनी पुरानी है तो आई लुक इट अप कि अभी आपका क्या स्टेटस चल रहा है आप कहाँ हैं एंड इट्स देर एनी थिंग आई कैन डू आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू और हिम्मत नहीं हारना भाई ये जिंदगी के कलर्स uh, हैं भाई अब इस पर कुछ नहीं कर सकते दिस इज़ हाउ लाइफ वॉज मैंट टू बी यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पेन एट अ वेरी यंग एज इन ऑफकोर्स I may not be able to relate to it. Uh, losing a sibling must be very devastating, especially at the age of 18. जब आपने उसके साथ इतना टाइम गुजारा हो बचपन में खेला हो और यू uh, नो you know, memories होती हैं जैसा कि आपने कहा कि आपने वही सेंटेंस पे email मेल कई दिनों के लिए ड्राफ्ट में डालती थी आई अंडरस्टैंड द पेन आई रियली प्रे for योर सिस्टर इज वेल बट बेटा हिम्मत नहीं हारो जिंदगी इसी का नाम है अप्स एंड डाउनस आते हैं अब ये डिवेल्यूशन आपके हाथ में नहीं है ना इसमें आपका कसूर है एक तो उतना आपने ट्राई ना की हो तो ऐसा तो नहीं है आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की बट यू नो कुदरत का एक निज़ाम है और वो एक वक्त होता है हर चीज़ का आई होप यू फाइंड योर टाइम वेरी वेरी सून एंड इन शाह थिंग्स विल बी ऑल राइट लेकिन यह कि आपका इधर कोई गुजारा नहीं है आप बहुत काबिल आदमी हो तो आप अपनी काबिलियत तो वहीं अप्लाई करो जहाँ पर उसकी सही वैल्यू भी हो वरना ना यहाँ करेंसी के साथ साथ आप भी डीवैल्यू होते रहेंगे और फिर आप इतनी एक मीनिंगलेस ज़िंदगी गुजारेंगे जहाँ पे आप का जब दिल करेगा नेट नहीं चलेगा अब जैसे आज मैं सड़क पे था तस्वीर डाउनलोड नहीं हो रही क्यों कराची में तस्वीर डाउनलोड क्यों नहीं हो रही क्योंकि पिंडी में गंडापुर पहुँच गया ट्रक लेके और मैं यहाँ सफ़र कर रहा हूँ मेरा क्या लेना देना उससे भाई बस यहाँ पर यही है तो बेहतर है सामान वामान पैक करें और आप भी मोफा पे रात के दो बजे कैंप लगाएँ यही हल है और इस मुल्क का डिज़ाइन ही यही है कि काम के लोग बाहर जाएँ डॉलर के आगे भेजें ताकि इनकी गाड़ी चलती रहे तो so बस हिम्मत नहीं हारना बेटा जिंदगी इसी का नाम है टेंशन नहीं लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आई टेस्टेड द टेस्ट फ्रेंडशिप शुड बी अ टू वे स्ट्रीट सलाम जुनैद भाई होप ऑफ योर पॉडकास्ट फॉलोअर ऑफ अप द ग्रेट वर्क आई एवं ट्वेंटी Working in a software company in Islamabad, I've always heard that friendships should be a two way street, though I never tested this theory until recently. I've always been the type of friend who tries to stay in touch, whether by sending a message every few weeks or months, remembering and wishing friends on their birthdays. I'm quite good at remembering dates, that's amazing. Or sending greetings on ETH, etc. For as long as I kept reaching out, they would respond. In a WhatsApp group, I, I'm usually the one. The first to send birthday wishes in June this year, one of our friends had a birthday, and as always, I wished him and suggested a meetup, which we did. We even planned to meet again on my birthday in July, however, a few days later, while scrolling through Instagram, I came across a post that said something like, If you deleted all your social media, how long would it take? For your friends to notice. So I decided to test it. Although I didn't delete my social media, I decided to stop initiating contact unless someone reached out to me first. And I refrained from posting anything on my social media. Believe me, Junaid, by the same friends who were so responsive before didn't even wish me on my birthday let alone plan a meetup this experience led me to reflect on other friendships i thought i had such as with my hostel roommates uh, of three years we haven't communicated in 15 months simply because i haven't reached out despite my past efforts to keep in touch and suggesting we meet whenever he was in slabad i found out that he's visited several times during these months without letting me know general by this experiment has left me questioning whether i truly have any real friends have i not made a single genuine friend in my 25 Of life. Should I continue with this approach of not texting unless एक किया। ये हमेशा से दोस्तों का ख्याल रखते थे उनकी पे विश करना, रखना, पे बात करना मीटअप प्लान करना सब कुछ करना फिर इन्होंने एक दिन पढ़ा कि दिया तो आपके दोस्तों को कितना टाइम लगेगा नोटिस करने में so, कॉन्टैक्ट करना छोड़ दिया सोशल मीडिया डिलीट नहीं किया और इनको पता चला कि किसी ने रीच आउट ही नहीं किया इनको खैर ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं ना मैं आपको अपनी मिसाल बताऊँ जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने अनाउंस नहीं किया था कि मुझे कोविड हुआ है ठीक है बस मैं गायब हो गया मैं बीमार था बहुत और मैं कोई चौदह दिन बीमार रहा उन चौदह दिनों में मुझे मुश्किल से चौदह लोगों ने मैसेज किया होगा मुश्किल से चलो बहुत ज़्यादा भी हुए तो तीस लोगों ने किया होगा ठीक है मगर मैं आई एम टॉकिंग लाइक 40 लाख लोग फॉलो करते हैं मुझे मुश्किल से 30 लोगों ने नॉट इवन 50 पीपल रीच्ड आउट किए आप नजर नहीं आ रहे वेर आर यू तो उस दिन मुझे भी ये बड़ा अच्छा टेस्टर मिल गया था और मुझे रियलाइज़ हो गया था कि लोग जो हैं पीपल ओनली रिस्पॉन्ड टू कॉन्टेंट लोगों से कोई एफिनिटी है नहीं जो रिश्ता है मेरा आप लोगों के साथ वो ये है कि भाई वीडियो दे रहा है तो हम देखेंगे और वो करेंगे अदरवाइज़ हमारी कोई दोस्ती ऐसा थोड़ी है कि आप पूछें कुछ लोग होते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल दे डू रीच आउट एंड एवरी टाइम दे रियली अप्रिशिएटेड मगर वो बहुत कम है ज़्यादातर जो है ना ये ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है और इस बात का मुझे अंदाजा हो गया और मैं कभी जोम में नहीं हूँ कि कभी मैं जेल में जाऊँगा तो मेरे पीछे जो है ना इतना बड़ा मजमा आएगा सड़क पर आग लगा देगा कोई नहीं निकलेगा राइट सो so, ये चीज़ सब मैंने भी टेस्ट कर ली थी आजकल का यार भाई टाइम ही ऐसा है और ये लोगों में ना ये ऑनर वनर ख़त्म हो गया और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप कराची के लड़कों से दोस्ती करें क्योंकि कराची के जो लड़के हैं मैं आज चालीस साल रहा हूँ भाई ज़िंदगी के दस पाँच साल इधर उधर था तो बहुत ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप होती है अब ये गालिबा ये हर उस शहर की जो कि फाइनेंशियल हब होता है वहाँ की रीत रिवाज उस तरह के होते हैं आ, पंजाब के फ्रेंड्स जो है ना वो डिफरेंट आ, ली ऑपरेट करते हैं और लाइक पठानस आर नेक्स्ट लेवल व्हेन इट कम्स टू तो होस्टिंग सेम गोज़ फॉर सिंधी पीपल एंड बलोच पीपल ठीक है जो ट्रेडिशनल कराची है ना कराची के लोगों में ऑनर ही ख़त्म हो गया अच्छा एम आई से कराची आई डोंट मीन टू से उर्दू स्पीकिंग पीपल आई मीन टू से जिसको कराची की हवा लग गई इसमें पठान भी हैं इसमें दूसरे कौमों के भी लोग हैं जिनको इस शहर की हवा लग गई ना तो वो जो है ना इतने ऑनरेबल दोस्तियाँ नहीं हैं और मेरी रही हैं दोस्तियाँ और मैंने जब थोड़ा सा रिट्रैक किया कि यार चेक करूँ ये दोस्ती मुझसे है या मेरे फेम से है तो सब सामने आ गया एनी anyway, तो एक लाहौर की लड़की से दिल नहीं लगाना और कराची के लड़के से दोस्ती नहीं करना अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो ये बात करना सो so, सया so yeah, uh, आजकल की रिलेशनशिप इसी तरह की हैं सबके हाथ में फ़ोन है सबकी जिंदगियां बिजी हो गई हैं पीपल डोंट कीप अप और वही वाली बात है कि यार इफ़ यू नॉट वेलकम सम डोंट बी देर और uh, मुझे यू नो पीपल हु हैव बिन क्लोज एट सम पॉइंट शादी से एक दिन पहले इनवाइट किया कि कल मेरी शादी है तो आ जाना सो इट्स नॉट लाइक कि उसको ए, आज पता चला कि कल मेरी शादी है मंथ्स एंड मंथ्स से वो उसका प्लान होगा उसको ये लगा होगा यार कम लोग आ रहे हैं तो कुर्सियाँ खाली जा रही हैं तीन लोगों का खाना किया शायद एक आए तो फिलर कभी भी लास्ट मिनट इन्वाइट नहीं लेना चाहिए मुझे बहुत सारे यूनिवर्सिटी से भी आती हैं ई कि सर चार दिन बाद इवेंट है तो आपने ये इवेंट चार दिन में प्लान नहीं किया है आपने ये इवेंट तीन चार हफ्तों से किया है अभी आपको कोई मिल नहीं रहा तो आप लास्ट मिनट मुझे भेज रहे हो तो लास्ट मिनट इनवाइट मुझे कहीं से भी आती है अनलेस इट्स अ क्लोज़ फ्रेंड मतलब कुछ दोस्त होते हैं उनके साथ आपकी वो वो नहीं होती आप बी सी किधर है मैं आऊँ जल्दी आ गए वो एक अलग चीज़ है वो फिर बहुत क्लोज़ फ्रेंडशिप्स हैं उसमें आप इस तरह होते हैं उसमें क्योंकि उन दोस्ती में अपॉइंटमेंट्स नहीं होती उसमें होता है भाई मैं अभी अवेलेबल हूँ अभी आ जा ठीक है मगर इट्स अ टू वे स्ट्रीट फिर मैं भी अपने आप को उसी तरह अवेलेबल रखता हूँ उनके लिए कि हाँ अगर वो लास्ट मिनट कॉल करें तो मैं चला जाता हूँ ठीक है तो कभी भी किसी का लास्ट मिनट इन्वाइट एक्सेप्ट ना कीजिए क्योंकि फिर वो फिलर होता है तुम भी आ जाओ तुम भी क्या मतलब क्यों आपको क्यों आपने अगर, अगर अपनी सालगिरह का सेटअप पच्चीस लोगों का किया और अभी लग रहा है कि तेरह ही हुए हैं तो चलो तुम भी आ जाओ तुम अगर कुछ नहीं कर रहे तो आ जाओ नहीं ये कौन सा इन्वाइट हुआ भाई नहीं इन्वाइट शुड बी होल हार्टेड ठीक है ना कि भाई आई वुड लाइक योर प्रेजेंस इन दिस सो एंड सो इवेंट और आई एम लुकिंग फॉर टू मीट यू ये होता है प्रॉपर इन्वाइट तो सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर सेल्फ एट एंड ऑफ़ द डे आपके पास एक ही चीज़ है वो है सेल्फ इस्टीम वो आपके हाथ में ठीक है ना तो वो आपने उसको मैंटेन रखना है और सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंटेन रखना है डो नॉट बी टू नीडी इफ यू कम अक्रॉस दिस टू नीडी तो लोग आपको उसी तरह बिहेव करेंगे तो कहते हैं ना लाइक पीपल बिहेव विद यू द वे पीपल ट्रीट यू द वे दे फील ट्रीटेड अब इसमें मुझे नहीं पता आप आपने तो अपनी बड़ी अच्छी पिक्चर पेश की है कुछ लोग होते हैं वो आप उनके लिए चांद भी तोड़ के ले आओ तो वो अप्रिशिएटिव नहीं होते तो मे बी यू आर बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री अच्छा है आपने टेस्ट कर लिया अल्ली वल्ली कराएं ऐसे दोस्तों को जो आपकी केयर कदर नहीं करते तो अगेन जैसा कि आपने सही कहा इट्स अ टू वे स्ट्रीट दोनों तरफ से होनी चाहिए एक ही बंदा ना झुकता रहे और क्यों झुके भाई ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि आप जिंदगी भर उनके पीछे धूम हिलाते हुए जाएंगे वल्ली वल्ली सितारों से जहाँ आगे और भी हैं तो प्लीज़ डो नॉट डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ बाई बींग इन कंपनीज़ ऑफ दोज हु डोंट वैल्यू योर प्रेजेंस हु डोंट वैल्यू योर ओपिनियन हु डोंट वैल्यू यू एज अ पर्सन ठीक है ना हर चीज़ ट्रांजेक्शनल नहीं होनी चाहिए कभी भी नहीं होनी चाहिए कभी कभी यू शुड जस्ट बी फ्रेंड्स विद पीपल जस्ट बिकॉज यू लाइक देयर कंपनी एंड दैट्स द वे इट शुड बी कराची में इट्स मोस्टली 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 ट्रांजेक्शनल ठीक है ना मुझे इससे क्या फ़ायदा इसको मुझसे क्या फ़ायदा मैं तभी बैठूँगा इसके साथ आ, बहुत बहुत मेरी अग, अभी भी अगर मैं बात करूँ ना जो दोस्तियाँ हैं वो वही हैं जो मेरी प्री फेम थी वो मेरी सही दोस्तियाँ हैं उनके लिए मैं आज भी चेंज नहीं हुआ दे देरोन देरोन मिस यूज़ मी या वो मुझे अपने बिजनेस के उसमें यूज़ नहीं करते वो कभी भी नहीं वो मुझे भी आज उसी तरह एड्रेस करते से पहले करते थे और वही असल फ्रेंड्स हैं बाद में जो है ना वो फेयर वेदर फ्रेंड्स जिनको कहते हैं ना अच्छे वक्तों के साथ ही अच्छे वक्तों में हर कोई जुड़ता है भाई मशहूर हूँ हर कोई जुड़ना चाहता है वो नहीं चाहिए होते जिंदगी में वो चाहिए होते जो कि फिर आपके ऊपर हर फ्लेवर में आपके साथ दे समबडी हु वुड बेल यू आउट ऑफ अ जेल यू नो और दोस्त वो होते हैं जो आपको आपकी एबसेंस में डिफेंड भी करें यू you नो know? वो सही दोस्त होते हैं कि अगर कोई आपकी बारे में बुलशिट कह रहा है तो आगे से आपको डिफेंड करे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है ना कि वो हाँ में हाँ है ठीक है तो इतना तो मान रखना होता है दोस्ती का तो ये आपने बिल्कुल सही किया अच्छा किया कटें इन लोगों से भाई कोई अच्छे दोस्त बनाएं वैल्यूएबल दोस्त बनाएँ और जो कि आपकी प्रेजेंस को भी वैल्यू करें और आपकी कदर भी करें और कदर करने वाले लोग कम हैं आजकल बस ज़्यादातर लोग जो हैं सोशल मीडिया ड्रिवन हैं और उनको इन चीज़ों की कदर ही नहीं है क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन के लिए और भी बहुत चीज़ें ना क्या ज़रूरत है भाई ये बुलाऊँगा ये रोना धोना करेगा <coughs> मैं घर बैठ के रील्स देख लेता हूँ पी एस फाइव खिल लेता हूँ बेबी से बात कर लेता हूँ ये भी होता है ना ब्रोज बिफोर होस् बुरी बात है कहना ऐसे नहीं बोलते मगर ये कि जो है ना ये भी बड़ा पाकिस्तानी बॉय प्रॉब्लम है जहाँ कोई लड़की ज़िंदगी में आती है सबसे पहले दोस्त कटते हैं या तो वो कट आती है कि ये इसको अक़ल की बात ना समझाने तो और मैं ही इसको बस ओवर पावर करके रखूँ कंट्रोल फ्रीक्स होती हैं औरतें कुछ कुछ या फिर ये कि खुद ही बंदा जो है ना वो फिर डिवाइड नहीं कर पाता टाइम फिर सारा फोकस उसका एक ही तरफ हो जाता है क्योंकि जिंदगी में कभी मिला नहीं होता फिर एकदम मिलता तो कहता बस अब यही मेरी दुनिया है तो वो भी लोगों को बैलेंस नहीं करना आता बहुत सारे रीजन होते हैं तो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स एंड कीप अप द गुड वर्क आपने नहीं बदलना और आपने हमेशा अच्छा रहना है ठीक है चलें थैंक यू सो मच और जी नेक्स्ट ई मेल इन एक्सप्लिकेबल मिड फॉर्टीज मेल वेट गेन वेल यू एंड मी बोथ सर Dear June Sahab, hope this email finds you well and in good spirits. I'm writing to you because I've been dealing with something that I think you might be able to relate to or at least I hope you can help me make sense of it. I've suddenly gained a significant amount of weight seemingly out of nowhere. It's frustrating because I haven't drastically changed my diet or lifestyle and yet the pounds just keep piling on. I've never been overly concerned with my appearance, but this sudden shift has really impacted my self esteem i feel unattractive and out of sorts and i'm struggling to figure out what's going on a bit more context i'm 43 years old a father of two little girls living in karachi and working in a bank my lifestyle is pretty sedentary during the week with long hours at the office and little time for physical activity the only real exercise i get is on the weekends when i take my girls to the beach or a park in our neighborhood of johar we love spending time outdoors what little there is of that in Karachi but other than that I'm mostly behind a desk Weight gain is something I've not really had to deal with before, and I'm struggling to figure out what's going on and how to get back to feeling like myself again. I've been following your content for a while, and your straightforward approach to life, uh, life's change challenges resonates with me. Recently, I noticed that you seem to have gained some weight as well, and to me, it was most noticeable in your Lyari Mehrgarh vlog. In Layari, I was wearing an oversized t shirt, something that I've never worn in my life. Wo mujhe bheji thi. दोस्तें तो उसमें वो एक लग रही है उस तरह की बट मैं वो उस तरह पहनता नहीं शर्ट हाउ एवर आई हैव पुट ऑन ल ल ऑफ वेट यस क्वाइट अ वाई अगो यू मैंशन दैट यू आर हिटिंग द जिम रेगुलरली सो आई एम क्यूरियस वट हैपन डिड लाइफ जस्ट गेट इन द वे और इज देर समथिंग मोर गोइंग ऑन सींग समन लाइक यू हु आर रिस्पेक्ट एंड रिलेट टू गोइंग थ्रू अ सिमिलर एक्सपीरियंस मेड मी फील अ बिट लेस अलोन इन दिस स्ट्रगल बट आई रियली अप्रिशिएट हेयरिंग योर थॉट्स ऑन हाउ टू मैनेज this both physically and mentally Maybe you've had some thoughts or realizations about your own situation that could help me make sense of mine. My wife has also po pointed out uh, growing pit to me and it worries me to see myself turning into just another pakistani uncle i know you have a lot on your plate but if you could share any any advice or insight it would mean a lot to me your content always brings laughter and wisdom into my life and i'm sure i'm not the only one who feels that way thank you for taking your time to reading this keep up the good work you're making a real difference out here sincerely abc और राइट right, जी जैसा कि आपने सुना ये फोर्टी प्लस भाई हैं जौहर में रहते हैं कराची में बैंकर हैं ज़्यादातर डेस्क के पीछे होते हैं और एक्सरसाइज सिर्फ वीकेंड पे वो भी जब बेटियों को लेके बीच या कहीं जाते हैं देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी कराची प्रॉब्लम जहाँ पे आपका जब सारा टाइम सार फिल पर गुजर जाएगा फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक टॉक्सिक मुल्क का एक टॉक्सिक तरीन शहर फिर uh, जो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है प्रेशर हैं सेल्स हैं दिस एंड दैट गोल्स मीट करने हैं के पी आईज़ मीट करने हैं ठीक है थीके? फिर उसके ऊपर जो है अज्यूमिंग यू वर्क फॉर अ बैंक यू यू वर्क चंद्रिका रोड ज़्यादातर लोग उधर ही जाते हैं विच इज़ लाइक द वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान तो वहाँ पर आई एव सीन लंच में क्या चल रहा होता है वहाँ पर कैलोरिक डिफिश डाइट तो कहीं नहीं नज़र आ रही होती है ज़्यादातर तो नहारी और बिरयानी ही चल रही होती है दैट डजेंट हेल्प आइदर एंड देन ऑफ़ कोर्स फिर ट्रैफिक में इतना टाइम लाइक अज्यूमिंग यू ट्रैवल फ्राम चंद्रीगढ़ टू जौहर दैट डेढ़ घंटा वन वे तो फिर तो शाम में क्या ही एनर्जी एंड दैट टू जौहड़ जहां पे पार्क इतने नहीं हैं, जो थे उन पर कब्जा कर लिया है एक कब्रस्तान बचा था उस पर भी कुछ कब्जा करने की कोशिश की थी वगैरह वगैरह एंड इट्स नॉट

ये वेन यू फेमस तो फिर उसके साथ बड़े और भी प्रेशर्स होते हैं आपके आ, लोग फिर कुछ ना कुछ डिमांड कर देते हैं अगर आपकी किसी रेगुलर बेसिस पे सलाम दुआ है तो फिर वो आप फिर कहते तो यार मैं जाता ही नहीं हूँ फिर वो अगला तंग करता है फॉर वन थिंग और दूसरी चीज ये कि आई हैड ट्विस्टेड फुट रियली बैड नियरली फ्रैक्चर्ड माई लेफ्ट फुट इस्लामाबाद में और वो मैं गाड़ी से उतरा था तो वो खड्डा था एंड ट्विस्टेड like उसकी वजह से वो पेन मेरे uh, बहुत स्वेलिंग हुई थी और बहुत दो महीने तक तो पेन रहा था मेरे पैर में तो उसके बाद से ना मैं बहुत डर गया था लाइक like मैं अभी भी किसी ना किसी एंगल पे पैर रखते हुए दस बार सोचता हूँ कि वो चीज़ ना हो जाएगी वॉज रियली रियली पेनफुल एक्सरेज किए थे उसमें कुछ भी नहीं था देर वॉज नो फ्रैक्चर स्वेलिंग बहुत थी एंड इट टुक अ गुड मंथ फॉर इट टू काम डाउन तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई रनिंग करने की यूज़ टू इंजॉय ट्रेडमिल मोर हालांकि आई हेट इट बट वो ज़्यादा फोकस करता फिर लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह वगैरह तो वो जो छूटा ना उसके बाद वो हो नहीं सका अच्छा फिर वो सेप्टेम्बर अक्टूबर की एक मोटिवेशन आपकी ये होती है कि आप समर तक आप रेडी हो जाएंगे लाइक जून जुलाई तक अगर आप रेगुलरली जा रहे हैं तो एक वो भी मोटिवेशन थी तो दो महीने वहाँ ज़्याया हो गए फिर लाइक टर्न ऑफ इवेंट्स फिर मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूँ कभी कहाँ इस चीज़ में आई रियली अपलॉड मोमेंट्स आके वो दुनिया में कहीं भी होता है वो जिम ज़रूर ढूंढ लेता है जो करने वाला होता है वो फिर उसी के अराउंड चीज़ें ढूंढता है आ, और वो अपनी सारी कॉल्स ट्रेडमिल पर लेता है और वो उतना तेज़ भागता है और 45 मिनट की ट्रेडमिल करता है सारी कॉल उसी पे लेता है तो वो चाहे लंदन में हो चाहे वो दुबई में हो चाहे वो लाहौर में हो कराची में हो वो जिम नहीं छोड़ता है वो नजर आता है उसका रिजल्ट भी माशाल्लाह नजर आता है तो यार ये वाली मोटिवेशन अब वो ये और ये मैंने टीवी वाले ब्रोज में देखी है जैसे लाइक यू नो सी बी एरसलान वो भी माशा इज़ वेरी, वेरी वेरी फिट तो उसने भी ज़्यादा डिजायर ड्रामों में आने से तो ड्रामा इज़ ऑल अबाउट फीचर द लुक्स एंड एवरी थिंग और यहाँ भी जहाँ मैं जिम में जाता था सुबह सारे ड्रामे वाले आए होते थे मतलब मैं सुबह साढ़े नौ बजे जाता था तो मोहसिन अब्बास हैदर दो घंटे का जिम करके वापस जा रहा होता था थानी तो सुबह साढ़े सात बजे का आया हुआ था भाई क्रेजी लेवल मोटिवेशन और फैसल कुरैशी इवन एट दिस एज हज फिफ्टी प्लस भाई लोग स्क्रेट मैन और लगे हुए होते हैं सुबह आके वहाँ पे बिलाल मकसू दिस दैट ये वो जिम का नाम नहीं बताऊँगा मैं एनीवे anyway, वे तो वो फिर एक मोटिवेशन गई फिर ये कि फिर वो रीजंस अपने आप को अच्छा अब तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अच्छा मैं इंग्लैंड में हालांकि अभी इंग्लैंड में मैं था आई गोना बी देर फॉर फोर वीक्स फिर मुझे फॉर वर्क आई है टू ट्रैवल बैक तो मैं इसी माइंड से गया था कि सेप्टेम्बर काम नहीं करना और ये पेट अंदर करना है और वहाँ घर के पास बड़े बड़े ग्राउंड हैं इतने बड़े बड़े ग्राउंड हैं एंड इट्स वेरी वॉकेबल बट वही मैं एक हफ्ता स्लैक करता रहा फिर खैर आने का टाइम हो गया एंड um, देन uh, वो रह गया एंड नाउ इट हैज सो आई हैव नेवर बिन बियड एटी थ्री के जीज़ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बट आफ्टर फोर्टी दिस इज़ गोइंग आउट मतलब अब वो विजिबली नजर आने लग रहा है वीडियो में फिर वीडियोस में भी फिर मैं पॉडकास्ट पे खास तौर पे आई वुड नॉट सिट ऑन अ पर्टिकुलर सोफ़ा क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोट्यूबरेंट लगता था एंड देन वो फिर इतना हो गया कि वो अनअवॉडेबल हो गया मतलब वो छुपना बंद हो गया वो नज़र आने लग रहा है और जो लियारी वाली वीडियो की आप बात करें तो खैर आई एम वेयरिंग एन ओवर साइज शर्ट विच इज़ नॉट माई एंटायर स्टाइल एट ऑल तो उस पर वो ज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है मगर ये कि येस द बेली हैज़ कम एंड आई थिंक आई एम नाइन्टी थ्री नाइन्टी वन और नाइन्टी थ्री आई हैव नेवर क्रॉस एटी फाइव तो ये दस किलो करना है कम अब अगेन आ, अकबर चौधरी से भी मैं मिला हीज माशाल्लाह वॉकिंग एवरी डे डेढ़ घंटा वो पूरी पॉडकास्ट सुन लेता उस वॉक में तो मुझे भी कह रहा था ना लाइक ठीक है मैं आता हूँ हर अभी मैं निकला और यहाँ से उस वहाँ जाने का टाइम हो जाता तो टेक्निकली मुझे अपने रनिंग शूज़ और मतलब लाइक यू नो स्वेट शर्ट एंड वटेवर जिम वेयर के साथ निकलना चाहिए था लेकिन मैं नहीं निकला मैंने अपने आप को खुद ही बहाना दे दिया क्या मुझे शायद भूख लग जाएगी और फिर मैं खाना खा लूँगा और फिर ये फिर हो वो बहाने बहुत आ गए जिंदगी में आई डोंट नो आई आजकल तो खैर टाइम ही मेरे पास बहुत है आई वेकअप आराम से इतने जिम हैं मेरे घर के आस पास इट जस्ट आई डोंट नो मैन आई एम रियली नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ विद दिस मेरे पास तो टाइम भी है और घर में घर के करीब जिम्स भी अच्छे हैं एंड एवरी थिंग सो ये एक मसला है बाकी ये कि भाई फोर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ज़ाहिर कम हो जाता है फिर आपके ज़ाहिर है और चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होते हैं आई एम सिग्निफिकेंटली फीलिंग ये मुझे uh, गम्भी ने कहा था सो so, गम्भी ने सो ऑन माई बर्थडे अराउंड माई बर्थडे वी मेट सो इज़ लाइक हाउल्ड आर यू सर आई टर्न फोटी वन ही इज़ लाइक वेट टिल यू फोटी फाइव दैन यूल स्टार्ट टू फील लो एनर्जी और मुझे अभी से मुझे पता नहीं उसने बोल दिया तो मुझे फ़ील होती है लाइक like, मुझे वाकई फ़ील होता है एनर्जी लो हो रही है क्या फिर वाइटामिन डी चेक कराओ ये कराओ वाइल्ड पीओ दिस स्टार्ट योर आई डू टेक फ्यू सप्लीमेंट्स अब अगेन मैं उसको इतना इंडोर्स नहीं कर सकता बिकॉज ए अ डॉक्टर शुड टेल यू पर मे बी समबडीज एन एक्सपर्ट इट्स गुड फॉर एनर्जी लेवल्स एंड ऑल सो आई टेक रिलीजियसली आर्गिनीन इट्स गुड फॉर योर लिबीडो सेम गोज फॉर दिस थिंक और हॉर्नी गोड वीड वो मिलता ही उस नाम से मैं क्या करूँ बट लाइक इट्स इट्स गुड मैन लाइक पागल कर देता आपको वैसे वो खैर शादी हुई हो तभी खाएँ एनी वे एंड द थर्ड थिंग आई टेक इज़ फिश ऑयल ठीक है फ़िश ऑयल में आई मेक श्योर इसके अलावा भी मैग्नीशियम जिंक होने चाहिए ज़िंदगी में बस वो मुझे ना बहुत ज़्यादा पिल्स खाते हुए भी होता है यार मैं इतनी पिल्स क्यों खा रहा हूँ हालांकि देर आर हर्बल तो अगेन आई एम नॉट इंडोरसिंग एनी थिंग ये दिस इज़ समली आई डू आपने जो भी करना आप अपने डॉक्टर से पूछ के किस से मशवा करके करें बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स चालीस के बाद जिंदगी उस तरह की नहीं रहती और ज़ाहिर मुझे भी यह फील होने लगा है कि वो जो रोलर कोस्टर जाके ऊपर से अब यहाँ से अब चीज़ें डाउन हिली हैं ना एम गन स्टार्ट फाइंडिंग आउट थिंग्स कि अच्छा ये भी मसला है ये भी मसला है, ये भी मसला सो या इट हैपन्स सो आपको मैं क्या ही मशवरा दूँ कि वॉच इस एज में ये होता है कि आप कुछ भी खाओ वेट बढ़ता ही बढ़ता है एंड यू नो इट कंसर्न माय वाइफ एज वेल बिकॉज बाकी बॉडी मेरी सही है मैं यहाँ से मोटा नहीं हूँ सिर्फ पेट है सो वो इट वो ना एक तो ये स्मोकिंग क्विट करने से होता है दूसरा ये हार्ट डिजीज़ का भी सिम्टम होता ही है ये कि यू नो योर योर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक गोज़ हायर तो इट कंसर्नस आर अलॉट एंड लाइक यू नो आई हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस तो इस उम्र में तो खैर आप फ्रूट भी खाएंगे तो आपका पेट बढ़ जाएगा तो यू नीड टू हैव समथिंग लाइक लो कैलोरी डेफिसिड डाइट एंड यू नीड टू वॉच वर्ट यूर ईटिंग आई थिंक इट्स अबाउट टाइम हफ्ते में एक बार खाएँ नारी मग इट्स ओके मगर ये कि अब रोज़ नहीं और बीफ तो मैं कहूँगा बिल्कुल कट ऑफ कर दे जिंदगी से बिकॉज उससे इट्स नॉट गुड रेड मीट इज़ नेवर गुड फॉर यू दूसरी चीज़ ये कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपका देखिए कॉन्वर्जेसन चेंज चालीस के बाद ना लोग यूरिक एसिड और ये बातें बीस में बच्चियों की बातें हो रही होती हैं चालीस के बाद यूरिक एसिड कोलोनोस्कोपी कॉन्वर्जेस चेंज हो जाती हैं आपकी सो रेडमीट इज नवर गुड ट्राई टू हैव फिश एटलीस्ट वंस अ वीक एंड इट्स सच अ सेम कराची तो दुनिया का वाहि बदनसीब कोस्टल शहर है जहां पर लोग फिश नहीं खाते देर इज नॉट वन डेडिकेटेड फिश रेस्टोरेंट मैं राशिद फिश की बात नहीं कर रहा वो एक अलग चीज है एक जो प्रॉपर हाई एंड रेस्टोरेंट होता है ना देर इज नॉट वन सी फूड है भाई है कोई यहाँ पे है ना ये दुनिया में कहीं नहीं होता दुनिया में जहां पानी है आपको वहां पे सी फूड ओनली सी फूड वाले रेस्टोरेंट से मिलेंगे अलेक्जेंड्रिया में मैंने खाई थी मछली वो उसे खाई नहीं गई थी पता नहीं क्या था वो अजीब ही उनकी थी और थाईलैंड uh, में आप जाएँ यू नो क्रैबिंग दिस दैट ये वो यूस्टन में यार वहाँ समंदर नहीं वहाँ मैंने क्रैब्स खाए तो लेकिन यहाँ पे ना इस तरह का मिलती हैं चीज़ें आई एम नॉट लेकिन डेडिकेटेड सी फूड वाले नहीं है और यहाँ के लोग खाते नहीं उसकी वजह ये है कि लोग यहाँ के नेटिव नहीं हैं नेटिव तो खाते हैं कच्ची जो आवाम है यहाँ पे जो रहती है या फिर आपकी जो दूसरी है कम्यूनिटीज़ जो पानी के पास रहती हैं या जो मछेरे हैं वो तो खाते हैं वो तो खाते ही हैं हम चूँकि यहाँ के नहीं हैं इसलिए हम वही नारी ढूंढते हैं जो यूपी में छोड़ के आए थे डाइट को देखना है रोटी चावल यार उसके बगैर मेरा भी नहीं आती मैंने बहुत कोशिश की तीन बार डाइट वाला खाना लगवाया रबड़ की मुर्गी आती थी, थी चने का सैलड ये वो ये वो नहीं खाया जाता यार एक पॉइंट के बाद बंदा हैं क्या आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ लाइफ स्टाइल इक्कीस दिन आप दे दें फिर चीज़ें सही हो जाती हैं हम वो इक्कीस दिन नहीं दे पाते सो so, एक्सक्यूज बहुत है ज़िंदगी में वी नीड टू कट ऑफ फ्राम दैट एंड देन स्टार्ट टू स्टार्ट टूडे नॉट इवन टू and try to watch what you're eating and it's not good or uh, concerned to तो so yes let's both of us give us a, uh, give each other a target ya apne aap ko target dete hain ki hame let's say agle 3 mahine mein 10 kg kam karna hai i think it's doable uh, somebody i know famous person uh, उसने पाँच किलो लूज़ किया एक महीने में so, एक दूसरे को target देते हैं और uh, let's hope uh, we take थिंग serious. फोर्टी इज़ नॉट जोकिंग क्योंकि इस वक्त अर्ली फोर्टीज़ में भी लाइक इफ़ यू बिल्ड मसल ना मसल बिल्ड करना बहुत जरूरी है और खातीन में भी ख़ास तौर पर डॉक्टर शवाना भी जो पॉडकास्ट में आई थी उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे यहाँ औरतें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती वो बस वॉक कर लिए ट्रेडमिल से काम नहीं चलेगा आपने साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है मसल बिल्ड करना है क्योंकि फिर मसल सबसे पहले वेयर आउट होता है सो इवन नाउ इफ आई स्टार्ट वर्किंग आउट तो फिर वो मसल रिटेन कर जाएगा कुछ बार फोर्टी फाइव के बाद जब मसल ही लटक जाएगा ना तो फिर वो आप कुछ भी कर लो वो चीज़ नहीं बन पाएगी सो लेट्स टेक थिंग सीरियस गाइड्स हेल्थ इज वेल्थ और uh, एक कोट है ना अ हेल्दी मैन वॉन्ट्स टेन थाउजेंड थिंगस इन लाइफ अ सिक मैन ओनली वॉन्ट्स वन तो अगर आपको फ्लू भी हो ना आप कहते हैं मेरा फ्लू पहले सही हो बाद में करूँगा बाकी चीज़ें पहले फ्लू सही हो सो सया लेट्स कीप एन आई ऑन 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 आर सेल्स मैन इट्स नॉट इट्स अ सीरियस मैटर एंड लेट्स बी मोटिवेटेड टू लिव लॉन्गर इफ नॉट फॉर अर सेल्स एटलीस्ट फॉर आर फैमिली एंड स्पेशली आर किड्स वी नीड टू बी अराउंड